अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जैन शिकंजी डिस्ट्रीब्यूटर को लूटने वाले दो बदमाश आज पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। ये दोनों ही बदमाश शुक्रवार को ही पकड़े गए थे। आज टीपी नगर थाना पुलिस दोनों को ई रिक्शा से जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे। जिला अस्पताल में दोनों का मेडिकल कराया जाना था, लेकिन रास्ते में ही वे क्षुल्लक शौचालय पर रुके और भाग निकले। उनको भगाने में एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया है। 3 फरवरी को बाईपास जैन शिकंजी आउटलेट संचालक जगदीश सिंह से दो बदमाशों ने लूटपाट की थी। इस लूटपाट में बदमाशों के हाथ नकदी में जेवर, जिनकी कुल कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। बदमाशों के नाम नसीमुद्दीन निवासी मिठेपुर थाना गुलावटी व विजय निवासी मुर्गी फार्म जैभी नगर मेरठ में है। शनिवार को ई रिक्शा से एक दरोगा व 3 सिपाही ने लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में सुलभ शौचालय के इस्तेमाल के दौरान दोनों ही वहां से भाग निकले। इससे पहले बीती रात एसपी सिटी पीयूष सिंह ने दोनों बदमाशों के पकड़े जाने की यह जानकारी दी थी। जैन शिकंजी का पूरा प्रकरण है और किस गिरोह का पूरा खुलासा होगा? ये 3 फरवरी को थाना टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत बाईपास पे स्थित जैन शिकंजी के एक आउटलेट के संचालक के साथ लूट की घटना बाइक सवार दो बदमाशों के द्वारा कारित की गई थी। उसी गैंग के द्वारा उसी दिन दो अन्य व्यक्तियों से मोबाइल भी छीने गए थे और एक व्यक्ति से लूट का प्रयास किया गया था। एक ही दिन में 4 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लिया गया। एसएसपी मेरठ के द्वारा स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, इसके अलावा थाना टीपी नगर की टीम को इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए लगाया गया था। पुलिस टीमों के द्वारा जो है लगातार सीसीटीवी मुखबिर के माध्यम से प्रयास करते हुए आज इस घटना में शामिल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम नसीमुद्दीन है जो कि धौलाना थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और एक विजय है जो कि जनपद मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला है। इन दोनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गई बाइक बरामद की गई है, जिससे कि ये लूट की घटनाएँ कारित की गई थी। इसके अलावा जैन शिकंजी आउटलेट के संचालक से छीनी गई चेन और अंगूठी बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त छीने गए दोनों मोबाइल को भी बरामद किया गया है और अवैध असलाह भी बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम के द्वारा किया गया यह कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। सर, जो घटना की गई है, ये गैंग कौन सा गैंग है? चारों घटना एक दिन जो की गई है उसी गैंग का सरगना कौन सा गैंग है? ये दो व्यक्ति हैं इसमें, बेसिकली नसीमुद्दीन और विजय। ये पुराना एक मोनू और फुरकान गैंग यहाँ पे था, उसके मेंबर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट की, और हाँ, अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।